कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष। जहां शुरुआती में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष नियुक्त न करके 5 उपाध्यक्ष नियुक्त करने की बात हुई थी, लेकिन प्रावधान किया गया था कि 15 अगस्त 1947 के बाद प्रावधान किया गया था कि 25 जनवरी 1947 को अर्थसी मुखर्जी हरेंद्र कुमार मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। 16 जुलाई 1947 को वी टी कृष्णमाचारी सेकंड संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने थे। वी टी कृष्णमाचारी जो 16 जुलाई 1947 को संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को 5वीं बैठक में क्या क्या प्रावधान किया गया था। संविधान सभा का दूसरा सत्र शुरू हुआ था 20 जनवरी 1947 को, जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की कार्यवाही में शामिल होने से मना कर दिया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। यह संविधान सभा की कुल 14वीं तथा दूसरे सत्र की 3री बैठक थी। संविधान सभा में उद्देश्य को प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया गया था। 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था।